दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल होने के कई कारण हैं। उनमें से सबसे एक बड़ा जो कारण है, देर रात को डिनर करना या फिर बिना भूख के डिनर करना। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के घरेलू उपाय कौन से हैं? तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसमें मैं आपको 5 से 6 ऐसे नॉर्मल और घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जिनकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप इनका सेवन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इनका अगर आपने 25 से 30 दिन तक रेगुलर सेवन कर लिया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे और आपको किसी भी तरह की कोई मेडिसिन दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सबसे पहली चीज जो इसमें आती है वो है कच्चा लहसुन। कच्चा लहसुन हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को दूर करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल रोगियों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। सुबह खाली पेट 1 या 2 कली कच्ची लहसुन की अगर आप खाते हैं तो ये धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर देता है। आपको इससे कोई भी दवाई की जरूरत महसूस नहीं होगी। ये नुस्खा जस्ट और जस्ट आप 25 से 30 दिन इस्तेमाल जरूर करके देखिए, आपको अपने अंदर फायदा दिखने लग जाएगा। दोस्तों, दूसरी चीज है अखरोट। अखरोट का नियमित सेवन करें। अखरोट एनर्जी का भंडार है। रोजाना 2 से 3 अखरोट अगर आप सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी में एनर्जी ला देगा। अखरोट के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। रोजाना सिर्फ 2 अखरोट खाने से ये रक्त वाहिनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल को पिघलने का काम करता है, मेल्ट करने का काम करता है। ये आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को आपके लीवर से बाहर करने में मदद करता है। इसीलिए रोजाना सिर्फ आपको 2 अखरोट रात को भिगो देने हैं और सुबह इसका सेवन करना है। नेक्स्ट चीज जो आती है वो है अलसी के बीज या फिर अलसी का पाउडर। अलसी के बीज बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत लाभदायक है। आप अलसी के बीजों का सेवन करें या फिर अलसी के बीजों का पाउडर बना लें फिर उसका सेवन करें। अलसी का थोड़ा सा पाउडर यानी कि आधा चम्मच पाउडर अगर आप 1 गिलास छाछ यानी कि लस्सी के अंदर मिक्स करके उसका सेवन करते हैं तो ये इतना फायदेमंद हो जाता है कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को तुरंत ही बाहर करने का काम करता है। लेकिन 1 दिन के इस्तेमाल के बाद आपने इसे छोड़ना नहीं है बल्कि नियमित इसका सेवन करना है 25 से 30 दिन के लिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों आंवला जूस और एलोवेरा जूस। रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच आंवला जूस, 1 चम्मच एलोवेरा जूस अगर आप नियमित पीते हैं तो आपकी बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल टिक ही नहीं सकता। ये आपकी बॉडी में से बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर देगा। जैसे किसी भी चीज को वॉश किया जाता है वैसे ही आंवला जूस और एलोवेरा जूस हमारी धमनियों को साफ करने का यानी धोने का ही काम करता है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है विटामिन सी वाले फल। विटामिन सी वाले फल यानी कि सिट्रिक एसिड युक्त जो भी फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सभी कोलेस्ट्रॉल रोगियों के लिए काफी फायदेमंद है। जैसे कि आंवला है, अनार है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, ये सभी आपके लिए फायदेमंद है। आप इनका सेवन जरूर कीजिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों नींबू और काली मिर्च का सेवन। पर कैसे किया जाए? दोस्तों, नींबू में सिट्रिक एसिड बहुत मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में चमत्कारी रूप से काम करता है। सुबह खाली पेट आप 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर 1 चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा स्वाद के आधार पर काला नमक डाल दीजिए और इसे खाली पेट सेवन कीजिए। ये आपकी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों काले चने, क्या आप खाते हैं? आपको बता दूं कि काले चने कितने फायदेमंद है आपके लिए। उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत मोटे हैं, अपने आइडियल वेट पर आना चाहते हैं या बहुत पतले हैं, अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं या आपके फेस पर चमक नहीं है या थायराइड की समस्या है तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर आप मुझे यस लिखकर भेजिएगा, मेरी कॉल आपके पास जरूर आए। दोस्तों, अब बात करते हैं काले चने। काले चने अक्सर घरों में सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। काले चने के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है उन्हें काले चने का सेवन जरूर करना चाहिए। रात को 1 मुट्ठी काले चने आपने भिगोने हैं और सुबह इसका सेवन करना है। साथ ही जिस पानी में आपने इसे भिगोया था उसे फेंकना नहीं है, उसे भी आप पी लीजिए। तो ये कोलेस्ट्रॉल रोगियों के लिए काफी अच्छा साबित होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन बहुत फायदेमंद है। बहुत घरेलू सी, बहुत नॉर्मल सी चीजों का इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी में से बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।